हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और आज क्या कर रही हूँ, चलो बढ़े रहना वीडियो पे, ठीक है? और पूरा देखिएगा, तो देखो माता रानी के साथ हूँ मैं। और मैं ना मतलब ये मंदिर है छोटा सा हमारे पास का, तो मुझे यहाँ पे कलर करना है। मैंने कलर किया है ऑलरेडी, बट जो है ना ये पूरा कलर ना डिसकलर हो गया था, आँख वगैरह से सारा कलर हट गया था। तो मैंने ना इसमें जो तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आई थी तो काफ़ी देर से थी, तो फिर अचानक से ना मुझे हुआ कि चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ना ये जो मूर्ति है ना, इन इसका कलर जो होता है ना, आइज़ वगैरह जो है, जो भी कलर वाला पार्ट था वो काफ़ी पुराना जो है मूर्ति है, तो ये डिसकलर हो गया था। तो मुझे मैं बोली कि मैं कर दूँगी करके मैं यहाँ पर आई थी, तो काफ़ी अच्छे से हो नहीं रहा था। ब्रश जो है काफ़ी, जो ड्रॉ मूर्ति जहाँ से बन के आती है ना, वहाँ का जो फिनिशिंग अलग होता है, बट उस पर ही थोड़ा थोड़ा करके मैं काफ़ी देर कोशिश कर रही थी अच्छा करने का, और लगभग लगभग ठीक ही ठाक मतलब कर पाई हूँ, क्योंकि वो जो मूर्ति बनाने वाले जैसा करते वैसा तो हम कर नहीं सकते हैं। और बहुत मुश्किल, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था। तो आईज ओट वगैरह जो है, हाथों में मेहंदी वगैरह माता रानी के लगा हुआ था, नेल पेंट वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचे चलो कुछ तो अच्छा, मतलब अच्छा लगा था कि नवरात्रा है और इस तरह से जो है करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे दो कलर था, एक ब्लैक और एक रेड। तो रेड वाला जो है नेल पेंट और लिप वगैरह जो माता रानी का था वो, और इसके बाद ब्लैक जो है उनका जो हेयर है वो, एब्रो आइज। तो ये देखो, तो ये मैंने ना 2 दिन पहले मैंने किया बनाया था वीडियो, ये 2-3 दिन पहले का है, बट मैं डाल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे नेल पेंट, हाथों में मेहंदी जो लगी हुई लाइनिंग्स बनी हुई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं उतना आप लोगों को दिखाऊंगी पास से। और ये जो शेर है ना, बस बहुत मुझे अच्छा लगा। और इनका साथ साथ जो शेर जी, उनका भी आईज वगैरह, उनका भी जो दाढ़ी वगैरह थी उनको भी करके मैं इसके बाद फिर चले जाऊँगी। तो चलिए, हैप्पी नवरात्रि सब लोगों को, जय माता दी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।